Well guys, कल के एपिसोड में हमने आप लोगों से काफी सवाल पूछे थे अबाउट द ट्रेंडिंग स्टोरीज एंड वन ऑफ द स्टोरीज वाज अबाउट द ट्रेलर ऑफ द फिल्म स्काई इज पिंक स्टारिंग प्रियंका चोपड़ा एंड फरहान अख्तर और आपके काफी जवाब आए काफी रिस्पॉन्सेज आए एंड सम ऑफ द टॉप कॉमेंट्स हैव बीन वन इज फ्रॉम शीला हु सेज द सुपर टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल क्वीन देसी गर्ल इज बैक इन बॉलीवुड द ट्रेलर इज ऑसम आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी हर इन अ मूवी अगेन वही फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल ने कहा Priyanka will get national award. A lot of people were rooting for Priyanka. Lekin wahin par Sam Bill ka kehna hai, the sky is pink, seems so promising. Priyanka Chopra is such an average and basic actor. I wish they had casted someone more apt at portraying such a sensitive role. राइट फिर अगले स्टोरी में हमने आपसे पूछा अबाउट आमिर खान्स डिसीजन टू कोलैबोरेट विद सुभाष कपूर हु वाज कॉट इन द होल मीटू स्कैंडल एंड आप लोगों के काफी अच्छे भी रिस्पॉन्सेज आए हैं काफी ट्रोलिंग वाले रिस्पॉन्सेज आए बट वील टॉक अबाउट द गुड वंस गार्गी दास गुप्ता सेज आमिर खान हैज डन द राइट थिंग बाय डूइंग मुगल अगेन एज ऑफ नाउ द गिल्टी हैज नॉट बीन प्रूवन येट एंड द ब्लेम पर्सन हैज हिज ओन फैमिली द फैमिली हैज नो फॉल्ट इन दिस सो व्हाई शुड दे सफर अलॉट Right. So while some people were rooting for Amir's decision, some of them didn't agree. Jaise ki R ka kehna tha, there is an entire video on YouTube filmed by the victim of Subhash Kapoor. In it, he actually admits his wrongdoing, him and his wife both. Sorely disappointed in Amir Khan and Kiran Rao. Not very surprised though. Now that was all the comments that we received yesterday. Aaj bhi bahut saari interesting stories aane wali hain. Do remember to pick up your phone and join in the conversations.